이제 시작이야 세상이 말하는 대로 똑같이 할 필요 없잖아 어제까지와는 다른 나의 삶은 지금 시작이야 तुम्हारा बज रहा है क्या? ये किसका फोन बज रहा है? I'm sorry, ma'am. क्या हुआ? वांग तेओंग, तुम खड़े क्यों हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? जी नहीं मैम. मैंने वहां रखा था. क्या कह रहे हो, सच में? वो मुझे तुम्हारी बर्थडे पार्टी पे मिला था. दिखने में अच्छा था तो मैंने उसे वहां रख दिया. अच्छा, और उस वक्त वो खाली था क्या? तुम्हें मुझ पर तो शक नहीं है? देखो, मुझे नहीं पता कि उसमें कितने पैसे थे और मैंने नहीं लिया. वो भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा. अरे सुनो, कहां जा रहे हो तुम? क्या नखरे कर रहा है ये? उसे नहीं पता कि उसके अंदर एक चिट्ठी थी. मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ. वो उन लोगों में से बिल्कुल नहीं है जो किसी के पैसे चुराते हैं, क्योंकि वो इतना भी गरीब नहीं है. ए मोटे, रुक. चलो ये मान लिया कि वो चिट्ठी खो गई है, लेकिन मुझे मैसेज किसने भेजा था? क्या कोई है जिसे गोल्डन स्पून के बारे में पता है? गोल्डन स्पून से क्या किसी और ने भी मेरी तरह पेरेंट्स की अदला बदली की है? One, oh, your chin. Two, three. हाँ, मैं बता रहा हूँ. ठीक है, ठीक है, चलो चलो. एक, दो, तीन, कौन मिन हो? क्या है? क्या? तू डर क्यों रहा है? अरे चल चल, तू जल्दी देख इधर. क्या देखूँ? ये देख. हाँ. फिर वो वहाँ से उठ के चला गया. और चैतन. वो चूही तो नहीं? अरे यार, चुप चुप करना. चुप. एक मिनट, अगर वो जूही हुई तो I'm sorry, ma'am. बड़ी अजीब सी बात है, वो दूसरे रईसों जैसा नहीं सोचती है बल्कि गरीबों जैसा सोचती है. फिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो जंगनारा की मौत के लिए भी खुद को जिम्मेदार मानती है. कोई बूढ़ी औरत तुम्हें ये देना चाहती थी? वो चिट्ठी भी जूही मेरे पास लेकर आई थी. यार, हाई स्कूल सीनियर साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्या? अजीब बात है ना, कुछ ही दिनों में सीएसएटी का एग्जाम भी है. Thank you.
सेयोंग का बर्ताव अजीब था। वो सेयोंगचोंग को कैसे घूर रहा था। हाँ पता है, पता नहीं क्या बात हुई होगी। शायद इसकी वजह तुम हो जूही। सेयोंगचोंग के साथ काफी वक्त बिताती हो तुम। कहीं तुम उन दोनों में से किसी एक को तो चुनने के बारे में नहीं सोच रही हो ना। योजिन ये तो तुम्हारी गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉरी, लेकिन ये बात निकली है तो मैं साफ साफ बता दूं कि मुझे तेयोंग में दिलचस्पी है। हे, मैं बस लैब के पास ही हूँ, अभी आती हूँ। मेरा फोन। तुम किसी और की चीज क्यों देख रहे थे? तुम तो ऐसे नहीं थे। आज सुबह तुम्हें किसने कॉल किया था बता सकती हो? तुम्हें इससे क्या लेना देना है? क्यों, तुम मुझसे कुछ छुपाना चाहती हो? वो मेरे डैड का कॉल था। खुश? I'm sorry, really sorry. मुझे गलत फहमी हो गई थी। तुम ऐसे नहीं जा सकते, पहले मुझे साफ साफ बताओ। भाई ठीक है ना? ये ले, इसे यहाँ पे रख। रख रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ ना। हाँ, जो तेरे को इसमें डाल। नहीं ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डालना होता है। तो बताना पहले। पागल हो गया क्या? तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? हाँ ये ले। क्यों परेशान कर रहा है? ये जो ही कहाँ रह गई? बस हंस रहा है। इधर। अरे ये तेयोंग कहाँ पे? जोही भी यहाँ पर नहीं है। दोनों का चक्कर चल रहा है क्या? अरे वाह, अच्छा। क्या कहा? एक प्रैंक टेक्स्ट? इसलिए तुम मेरे बैग की तलाशी ले रहे थे? यार मैं हुआंग तेयोंग हूँ, क्या पता ये बस एक घटिया सा प्रैंक होगा या पैसों के लिए ब्लैकमेल करने की चाल। खैर मुझे तुम्हारी चीजों की तलाशी नहीं लेनी चाहिए थी। आई एम सॉरी जोही। एक प्रैंक टेक्स्ट, दिमाग में किसी का नाम आ रहा है? तुम होंग त्योंग नहीं हो ना? ऐसा मैसेज कौन भेजता है भला? अचकानी हरकत है। सही कहा तुमने, पता नहीं कौन होगा। खुद ही सोचो, कौन है वो जो तुम्हारे साथ मजाक करना चाहेगा? वैसे वो मैं नहीं हूँ, मैं तुम्हें मुंह पर बोल देता। होंग त्योंग, तुम और जो ही आज क्लास में लेट आए थे। तुम क्लास में आओ ना आओ फर्क नहीं पड़ता, पर जूही, सिंचन, मेरी जूही की पढ़ाई पर असर ना पड़े। जो कहा है वो याद रखना। मेरी जूही? चलो कैफेटेरिया, तुम्हें मेरे लिए नाश्ता खरीदने का मौका देता हूँ। तेयोंग, तुम आना चाहोगे? इट्स माय ट्रीट। उसे रहने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो। वांग तेयोंग, तेरी तो आखिर कौन हो सकता है वो? किसने मुझे ऐसा मैसेज भेजा? मिस गोंग, मुझे एक कप कॉफी चाहिए। तेयोंग, क्या तुमने डैड से ये कहा कि तुम शेयर होल्डर्स की मीटिंग अटेंड करना चाहते हो? हाँ। अच्छा,
मैं समझती हूँ कि तुम उनका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये करने का बेहतर तरीका होगा कि तुम अपने पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान दो और सीसेट एग्जाम की तैयारी में जुट जाओ। ठीक है, मैं इस बात को याद रखूंगा मदर। मेरे कमरे में एक कप कॉफी भिजवा दीजिए। मिस गोंग, क्या उसने आपसे अभी अभी कॉफी मांगी? जी, वैसे तो कभी कैफिनेटेड ड्रिंक्स नहीं पीते, अजीब बात है। हाँ जूही, क्या आप ही ने इनकी शिकायत की थी ना? हाँ, ये वही है। हमने उसे पकड़ लिया, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं। लेकिन आपने इसे ढूंढा कैसे? वो जिस घर में रहा करता था वहां छुपा बैठा था। उसके मुताबिक उसे अपनी मरहूम बेटी की याद सता रही थी। मकान मालिक की बेटी ने हमें कॉल किया। मकान मालिक की बेटी? जी हाँ। यानी कि योजन? मतलब वो योजन? नारा की फैमिली ने योजन का घर किराए पर लिया था। कुछ महीनों बाद अचानक नारा गुजर गई। उसे एक्यूट लुकेमिया था। वो बिल्कुल हेल्दी थी, तो फिर ऐसा कैसे हो गया? नारा की फैमिली ने योजन का घर किराए पर लिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि योजन ही जंग नारा हो? उसने भी मेरी तरह गोल्डन स्पून यूज किया हो तो? योजन, व्हाट अ सरप्राइज, अचानक मुझसे मिलने का मन किया। तुमने मुझे बताया था ना कि जूही की वजह से किसी की मौत हुई थी। उसका नाम था, क्या बताया था? जंग नारा। हाँ, जंग नारा। उसे यहीं दफनाया गया था ना? मैं सोच रहा था कि क्या तुम मुझे उसके बारे में और कुछ बता सकती हो। तुम्हें उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है? अगर जूही वाकई उसकी मौत की वजह है तो उसे मेरी मंगेतर बनने का हक नहीं है, तुम्हें नहीं लगता? यानी ये जूही के बारे में है, ना कि नारा के बारे में। तो चलो पहले नारा को देखते हैं। पता नहीं तेयोंग को योजन से क्या बात करनी होगी। जूही ने तुमसे क्या कहा ये तो मुझे पता नहीं, पर नारा एक गरीब लड़की थी, मुझे आज भी याद है। फील डे के दिन सबके लिए कोई ब्रेड और ड्रिंक्स लेकर आया था, लेकिन नारा ने कहा उसे भूख नहीं। पता चला कि उसे वो खाना घर जाकर डैड को देना था, पर उसके डैड बहुत जालिम थे। मुझे बस इतना ही याद है, मेरी खास दोस्त तो नहीं थी, तब मैं बीमार रहती थी तो स्कूल भी कम जाती थी। अच्छा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो कुछ और ही सुना था। मैंने सुना था कि उसके साथ सिर्फ तुम और जूही ज्यादातर मिला जुला करते थे, और ये भी कि उसकी फैमिली ने तुम्हारे घर एक कमरा किराया लिया है। क्या ये बात तुम्हें जूही ने बताई? बड़ी चालाक लड़की है वो। ये सच है, नारा की फैमिली हमारे घर में रहती थी और उसे इस बात से शर्म आती थी, वो नहीं चाहती थी किसी को ये पता चले। अब वो नहीं रही तो क्या ये बात सही मानी जाएगी? अगर उसकी इतनी ही परवाह थी तो उसके डैड को गिरफ्तार क्यों करवाया? उसे अपनी बेटी की याद सता रही थी इसलिए वो तुम्हारे घर आया क्यों?
वो एक बुरा इंसान है, बाप कहलाने के लायक नहीं है। नारा की तो माँ भी नहीं थी, तुम्हें अंदाजा भी है वो उसे कितना मारा करता था। मैंने बस वही किया जो नारा ना कर सकी। तो तुमने मुझे यहाँ सिर्फ ये पूछने के लिए बुलाया, हद है। जंगनारा, तुम जंगनारा हो है ना? तुमने अभी क्या कहा? तो तुम ओयोजिन नहीं हो है ना? वांग तेयोंग, क्या वो तुम थे? क्या? मैं सोच रही थी कि ये घटिया मजाक कौन कर सकता है। तुम्हारे लिए ये मजाक है? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो फिर कौन है ये? आखिर किसकी हरकत है? वो मैं था, टेक्स्ट मैंने भेजा। क्या? तुम खुद को समझते क्या हो लल्लू कहीं के? कितने बचकाने हो तुम? तुमने हमें ऐसा मैसेज क्यों भेजा? कम ऑन, तुम लोग मुझे काफी स्ट्रेस में लगे तो मैंने सोचा कि माहौल थोड़ा मजेदार बनाया जाए, मैं मजा नहीं आया। अरे यार, अगर तुम बोर हो रहे थे तो चुपचाप कोने में बैठकर कोई गेम खेल लेते। तुमने हमें किसके फोन से टेक्स्ट किया था? वो नंबर तुम्हारा तो नहीं था? अरे वो अपनी मॉम के फोन से किया था, और वैसे भी मैं ये बात बताने वाला नहीं था, ऐसे एक जोक समझ कर हंसो ना यार, मजाक ही तो था। बस करो, भौंकना बंद करो, या फिर धीरे बोलो, यहाँ तुम अकेले नहीं हो। शांत हो जा, शांत हो जा, छोड़ दे उसको। हाँ, बैठ बैठ बैठ। क्लासरूम में शोर नहीं मचाना चाहिए। ए ली सुंग चान, दही खाने के लिए अपना गोल्डन स्पून इस्तेमाल नहीं करेगा? गोल्डन स्पून? ये क्या बोल रहा? गधा कहीं का, तूने अपनी याददाश्त खो दी है क्या? यही तो कहा था तूने कि तू अपने माँ बाप का लाडला है, इसलिए उन्होंने तुझे एक गोल्डन स्पून दिया था। तेयोंग के घर भूल गया? गोल्डन स्पून, मैं अपने माँ बाप का लाडला बेटा हूं ना। यहां बुलाने के लिए शुक्रिया। चलो अब खाना खाते। सही कहा, मेरे पास एक गोल्डन स्पून है। जो भी है चुप रहो, मैं फोकस नहीं कर पा रहा। क्या बोला ये? तुझे हो क्या गया? ए, ये क्या कर रहे हो? चुपचाप खाओ, बहुत गर्म है। मॉम, बोलो। मेरे पास एक गोल्डन स्पून था ना, बताओ वो कहाँ है? कौन सा गोल्डन स्पून? क्या तुम्हें ब्रास स्पून चाहिए जो हमारे पास है? नहीं वो नहीं, मेरे पास एक गोल्डन स्पून था। लेकिन इस घर में गोल्ड का एक छोटा टुकड़ा भी नहीं है। मॉम के पास एक सोने की अंगूठी थी, लेकिन तुम्हें एडमिशन दिलाने के लिए बेच दी। तुम सब भूल गए क्या? नहीं,
खाना खाते हैं। यहाँ पर तो नहीं है। मुझे याद है मेरे पास वो था। बस वो मिल जाए तो मॉम को एक गोल्ड रिंग दिलवा दूंगा। अरे नहीं, एक सेकंड, मैं उसे त्याओं के घर तो नहीं भूला। वांग त्योंग को गोल्डन स्पून के बारे में और कितना पता है? तुम्हें तीन मौके मिलेंगे, एक महीने के बाद, एक साल के बाद और 10 साल के बाद। एक महीना तो लगभग पूरा हो ही चुका है। यहाँ पर जर्मन होम अप्लायंसेस हैं जिन्हें आजकल हाउसवाइफ्स बेहद पसंद करती हैं, और एयर कंडीशनर्स भी हैं। एक बहुत बड़ी पार्टी, और ओ, एक बार जरा उस तरफ देखिए। ये तो बस पेड़ों और हरियाली का कमाल का व्यू है। घर एकदम मस्त है, बिल्कुल सबवे स्टेशन के पास है। और वो देखो वहाँ हैन नदी एकदम साफ नजर आती है। यहाँ की हवा कितनी ताजा है। और तो और एक बात और बता दूं, इस शहर में ऐसी जगह मिलना बहुत मुश्किल है। ये यंग मास्टर अचानक एक अपार्टमेंट की तलाश में क्यों निकले हुए हैं? समझ गया, इनका किसी के साथ चक्कर वक्कर चल रहा है। डैड, घर आ गए बेटा? आज का दिन कैसा रहा? नापन सेंगा सिंगचान, मेरी तरफ देखो, मैं कैसी लग रही हूँ? डेट पर जा रही हूँ मैं। हनी, कितनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? गजब खुशबू है। आज खाने में क्या है? पास्ता बनाया है। पास्ता, ये तो मुझे बहुत पसंद है। ओह, गार्लिक श्रिंप भी बनाया है। टेस्ट तो करने दो। टेस्टी है। अच्छा है सच में? हाँ, सुंगा ट्राई करो। अच्छा है ना? बहुत टेस्टी है, पर ऐसे मेरा वजन कैसे कम होगा? तुम्हें वजन घटाने की क्या जरूरत है? सच में टेस्टी है। सुंगचान, सुंगचान, तुम जल्दी वापस आओगे ना? तुम्हें हमारे पास आना चाहिए। सुंगचान, मुझे मिस नहीं करते क्या? जल्दी आओगे ना? यंग मास्टर, मैं हुआंग त्योंग हूं, उनकी मदद कर सकता हूं। बस बहुत हुआ। क्या हुआ? मैं ये जगह खरीदूंगा। ये जगह तो एकदम कमाल की है। डिजाइन तो लाजवाब है, बिल्कुल पार्क की तरह है ना? वहाँ फूलों से भरे पौधे लगाते हैं जो बेहद खूबसूरत दिखते हैं। और एक नजर जरा यहाँ भी तो देखिए, कमाल का नजारा है। वैसे तो यहाँ पर पानी होना चाहिए लेकिन फिलहाल वो खाली है। आज आपने बड़ी समझदारी वाला फैसला लिया है। इस तरफ चलिए।
शुक्रिया, इन्हें यही छोड़ दीजिए। मिस गोंग, क्या गेस्ट रूम की सजावट का काम पूरा हो गया? जी हाँ मिस यो, सजावट हो गई है और आज कुछ देर बाद नया फर्नीचर भी आ जाएगा। क्या आपको किसी मेहमान का इंतजार है? तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं पता? मैं कमरा तैयार कर दूंगी। ये उस पर खूब जचने वाला है। उसने एक अपार्टमेंट खरीदी? जबरन मकान खाली मत करवाओ, सर पर छत हमारा हक है। हक है, हक है। हम जबरन मकान खाली करवाने के खिलाफ है। खिलाफ है, खिलाफ है। यहाँ ट्रैफिक जाम लगा है, लगता है कोई आंदोलन हो रहा है। गरीब हमेशा एक दूसरे से लड़ते हैं जबकि उनका असली दुश्मन कोई और होता है। सुनो, गाड़ी रोको सर। क्या कर रहा था तू? सर चल पाँव चला, इधर सीधा खड़ा रहे, समझा? तुम लोग उन गरीबों का साथ दे रहे हो जबकि पैसा तो मुझसे ले रहे हो। ये बता आखिर तुम लोग हो किसकी तरफ? ली फौरन इनसे माफी मांगो। देखिए उनका बच्चा वहीं था, उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को आप घसीट नहीं सकते। बकवास करेगा तो खाएगा। अगर कंस्ट्रक्शन देरी से शुरू हुआ तो क्या उसकी जिम्मेदारी तू लेगा? अपना मुंह खोल जवाब दे। सर जवाब दे। ये क्या कर रहे हो तुम? इन्हें मारने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अबे तू कौन है? कौन है तू? आंखें नीचे कर, बहरा है क्या? रुकिए सर, ये मेरे बेटे का दोस्त है। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बकवास बंद कर और कल से मुझे यहाँ दिख मत जाना। ऐसे नमूनों को काम पे रखा ना तो खाल उधेड़ दूंगा। माफी चाहता हूँ सर, आपके पीछे पुलिस पड़ी है। दो कौड़ी के, मेरी बात सुन और कान खोल के सुन। मुझे साइड पे आने पे मजबूर मत किया करो, तुम लोग काम पे लग चल। तैयोंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो, मुझे लगा था आप एक कार्टूनिस्ट हैं, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैं कुछ पैसे कमाने आया हूँ। लेकिन आपको तो पैसों की अहमियत नहीं थी ना, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको सिर्फ अपने सपनों से मतलब था। तो अब क्या हुआ? क्या सुनचौ ने तुम्हें मेरे बारे में ऐसा कहा? कहा होगा, वैसे तुम सही हो, लेकिन मैं अब बदलने वाला हूँ। मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे ऐसा पिता नहीं बनना जिस पर मेरा बेटा नाज ना कर सके। बहुत पैसे कमाने हैं। आपको अब जाकर यह एहसास हुआ है? आपने ऐसा 5 साल पहले या 10 साल पहले क्यों नहीं सोचा? आप हमेशा अपने सपनों के पीछे भागते रहे तो अब आपको ये सब क्यों याद आ रहा है? क्यों? क्या हो गया तुम्हें तेयोंग? अच्छा सुनो तेयोंग, देखो मुझे माफ करना, पर मेरा एक काम करोगे? प्लीज मेरे बेटे को मत बताना कि मैं यहाँ काम करता हूँ, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। मेरा ये काम करोगे ना सुनचौन?
मेरे कहने का मतलब है तेहोंग। आप फिक्र मत कीजिए, उसके साथ ऐसी फालतू बातें करने का टाइम नहीं है मेरे पास। डैड भी कितने भोले हैं, अब बहुत देर हो चुकी है डैड। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तेहोंग से कुछ पूछना है। ओह, पर वो तो इस वक्त घर पर नहीं है, तुम्हें कॉल करके आना चाहिए था। बाय। ओह, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। क्या मैं अंदर रुक सकता हूँ? थैंक यू। ये लीजिए आपका खाना। तुम पहले कभी ऐसी जगह नहीं आई हो, है ना? मैं यहाँ सिंचौन के साथ आ चुकी हूँ। यहाँ के स्पाइसी राइस केक्स और सॉसेजेस कमाल के हैं। मेरे पास बहुत पैसे हैं, अच्छे से खाओ। माना तुम्हें पहली तनख्वाह मिली है, लेकिन तुम कुछ ज्यादा नहीं खर्चा कर रही? मैं तो बस तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मुझ पर तुम्हारे कई एहसान हैं। मुझे एहसान मत कहो। तुम काफी बदल गए हो तेहोंग। पहले मुझे तुम्हारा ख्याल रखना पड़ता था, मैं तुम्हारा होमवर्क करती थी, और जब तुम अपनी मॉम को मिस करते थे तब मैं हमेशा तुम्हारे पास रहती थी। मतलब ये हुआंग तेहोंग आज भी नहीं सुधरा है ना? नहीं, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो तेहोंग। तुम घमंडी और अकड़ू लगते हो, पर मुझे पता है कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो, साफ दिल के हो। तेहोंग, एक सवाल पूछ सकती हूँ? क्या अब तुम ठीक हो? मतलब? जब मैंने सुना कि किसी शूटिंग इंसिडेंट की वजह से तुम अमेरिका से लौट आए हो, मुझे पता था तुम पैनिक डिसऑर्डर के शिकार हुए हो, पर मुझमें बात करने की हिम्मत नहीं थी। अब तुम कैसा फील कर रहे हो? दवाइयाँ अब भी चल रही हैं? हाँ, चल तो रही हैं, पर अब मैं ठीक हूँ। वो बहुत पुरानी बात हो गई। सुनकर अच्छा लगा। चलो खाओ ना, खाना बहुत अच्छा है। इसके बाद मुझे कॉफी भी पिलाना। कॉफी? तुम कॉफी पीने लगे हो? ओ, मैं कॉफी नहीं पीता। ओ रियली? तो क्या तुम ब्लैक टी पीना चाहोगे? मैं कैफीन वाली कोई चीज नहीं पीता, वरना रात को नींद नहीं आती। मैं हिबिस्कस या एकिनेशिया टी पीता हूँ, या एल्डरबेरी भी चलेगी। एल्डरबेरी ले आओ। जी मैम। तेहोंग भी हर्बल टी के सिवा और कुछ नहीं पीता। लगता है तुम दोनों का टेस्ट एक जैसा ही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मैकुम पर पसाल हुए। तुम फ्रेंच बोल लेते हो? स्कूल में मेरी सेकंड लैंग्वेज थी। तुम्हें पिछली बार देखकर ही बता सकती थी कि तुम पियानो अच्छा बजाते हो। अभी बजाना चाहोगे? तुम अपनी सैलरी से डिनर और डिजर्ट के लिए पे कर पाओगी? एक घंटे के 4,580 वॉन, कुल मिलाकर 4,39,680 वॉन। मुझे लगा था तुम जल्दी नौकरी छोड़ दोगी, लेकिन तुम तो टिक गई। मुझे तुम पर नाज है जोही। मुझे छुओ मत तेहोंग। देखो, जहाँ तक हमारी मंगनी की बात है, हम चाहे जो कहें, पर हमारे पेरेंट्स बाज नहीं आने वाले। एक बार हम मैच्योर हो जाएं, उसके बाद हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। तब रिश्ता तोड़कर फिर से अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। इसका मतलब जब तक हम 20 साल के होंगे, सिर्फ तब तक हमारी एंगेजमेंट रहेगी। आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तेहोंग, देखो, मुझे तुम्हारा दोस्त बनकर नहीं रहना है, और मैं एंगेजमेंट भी नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। मैं जानता हूं कि फिलहाल तुम्हें मुश्किल होगी, पर बाद में तुम भी मुझे पसंद करने लगोगी। तो प्लीज मेरी फियांसे बनी रहो, मुझे दोस्त नहीं बनना।
उसने भी वही गलती की जो तेयोंग ने की थी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इतना काफी है? हाँ, बहुत अच्छा बजाते हो तुम। क्या तुमने तेयोंग को बजाते देखते हुए प्रैक्टिस किया था? मैंने उसे पियानो बजाते कभी नहीं देखा है। मिसियो, डिनर तैयार है, आ जाइए। तेयोंग अब तक घर नहीं आया है, तो क्या हम तब तक डिनर करते हुए बातें करें? नहीं शुक्रिया, मैं ऐसे कहीं भी खाने नहीं जाता। क्या, ये कैसा मजाक है? तुम तो पहले भी यहाँ खाना खा चुके हो। तुम्हें याद नहीं, तुम अपने गोल्डन स्पून से यहाँ दो बार खाना खा चुके हो। क्या कहा मैंने, यहाँ पर दो बार खाना खाया है? अपने गोल्डन स्पून से? आप यहाँ गेस्ट रूम में इंतजार कर सकते हैं। नहीं, मैं तेयोंग के रूम में इंतजार करूंगा। आइए, मैं कमरा दिखाती हूँ। नहीं ठीक है, मुझे पता है वो यही है। ये लड़का तो काफी बदतमीजी करता है। क्या ये पहले कभी मिस्टर तेयोंग के रूम में गया है? ये यहां क्यों रखा है? यहां पर अच्छा दिखता है। फिल्मों में तो सीक्रेट ड्रॉवर दिखाता है जो यहाँ होता है। ओ, वाकई सीक्रेट ड्रॉवर है। मेरी इजाजत के बिना जूही की पेंटिंग कैसे बनाई? बदतमीज कहीं का, कितनी खूबसूरत है। कितनी सुंदर फोटो है। ये क्या है? गोल्डन स्पून। यहां सुनचान आया हुआ है? हाँ, वो आपके कमरे में इंतजार कर रहा है। सुनचान, ये तुम क्या कर रहे हो? ये मेरी है ना? ये तुम्हारी कैसे हो सकती है? मुझे याद है मैंने गोल्डन स्पून से यहाँ खाना खाया था, पर वो मुझे कहीं नहीं मिले, तो मैं यहाँ चेक करने आया। और ये देखो। बकवास कर रहे हो, ये मेरी गोल्डन स्पून है, मेरी है ये। तो फिर मेरी कहाँ है? अरे मुझे कैसे पता होगा? ए, तुम बेकार में इतना चढ़ क्यों रहे हो? तुम मेरी इजाजत के बिना मेरे कमरे में आए, ऊपर से मेरे सामान को भी छेड़ रहे हो। हाँ, क्या ये बदतमीजी नहीं है? हाँ है,
मैं मानता हूं, पर तुमने भी ओवर रिएक्ट किया। चलता हूं। सुनो सुनचान, मैंने ओवर रिएक्ट किया ना, ये लो मेरी माफी के तौर पर। ये एक जबरदस्त सप्लीमेंट है, मैं इसे हर किसी को नहीं देता, इसे दिन में एक बार जरूर लेना। मैं इसे ले तो लूंगा पर थैंक्स नहीं खाऊंगा। लगता है वो अपनी ही हरकत से शर्मिंदा है। हाँ, मॉम के लिए गोल्डन रिंग लेनी थी। ले सुनचान। अच्छा तो तुम ही हो, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। अब ये मत कहना कि तुम यहाँ खाना खाने के लिए आए। जी नहीं, मैं तो बस। अब हमारी मुलाकात हो गई है तो एक मिनट बात कर लें। I'm sorry, पर मुझे देर हो रही है। क्यों, मुझसे बात करने में झिझक महसूस होती है? मतलब तुम्हारा हाल कुछ ठीक नहीं लगता, तबीयत ठीक है तुम्हारी? मुझे जी नहीं, मुझे कहीं जाना है। I'm sorry. बॉस से अच्छे से पेश आना, उनसे पंगा मत लेना, समझे ना? आज मेरी वजह से आपको डांट खानी पड़ी, मुझे माफ कीजिएगा। तुम बहुत ही नेक इंसान हो, यही तुम्हारी कमजोरी है, समझे? अरे वो जैंको, जैंको ना, उसका क्या हुआ? क्या वो अभी भी पुलिस स्टेशन में बंद है? लगता है इस बार रिहाई में टाइम लगेगा। मामला फिर से उसकी बेटी का है। शुक्र है कि मेरी कोई औलाद नहीं है। क्या हुआ, ऐसे क्यों हंस रहे हो? मैं तो अपने बच्चों को बड़ा होता हूँ अधिक खुश होता हूँ। तुम्हारे पास अपने लिए पैसे नहीं थे तब भी बच्चे पैदा किए तुमने, अब अगर ऐसी बातें करोगे तो लोग तुम्हें पागल खाने भेज देंगे। शायद सही है। हाँ बेटा। सुनचान क्या हो गया बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मैं अभी आता हूँ बेटा, मैं रास्ते में हूँ। सुनचान मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, तुम वहीं रुको, बस आ ही रहा हूँ बेटा, पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ आपको, आप ठीक है? ए बच्चे क्या हुआ? सुनचान, 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 क्या हो गया?
सुखचैन डैड, सुखचैन, सुखचैन, बेटा रुको, कुछ नहीं होगा बेटा, घबराओ मत, सुखचैन, सुखचैन, कुछ नहीं होगा बेटा, मैं आ गया हूँ ना, मेरी तरफ देखो, सांस लो, अब छोड़ो, फिर से सांस लो, सांस छोड़ो, बेटा फिर से सांस लो, सांस छोड़ो, बहुत अच्छा बेटा, सांस लो, सांस छोड़ो, बेटा मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, तुम्हें लगेगा सांस रुक गई है पर कुछ नहीं होगा, मेरी बात पर ध्यान दो, सांस लो, सुनचौन, बेटा बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगे, सांस लो, अब सांस छोड़ो, शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, सब ठीक हो जाएगा, जैसे तूफान के बाद खामोशी होती है, बिल्कुल शांत समंदर की तरह तुम्हें सुकून मिलेगा। शाबाश, शाबाश। वो ली सुनचैन मुझे बहुत अजीब लगता है। एक तो वो कॉफी नहीं पीता और फिर फ्रेंच भी बोलता है और तो और पियानो भी बजाता है। उसने तेयोंग के स्टाइल की नकल जरूर की होगी, लेकिन वो गलती भी वही करता है जो तेयोंग हमेशा पियानो बजाते वक्त करता है। बड़ी अजीब बात है ना? अच्छा, कहने का मतलब क्या है? साफ साफ कहो। ली सिंचियन, वो मुझे बहुत ही खतरनाक लगने लगा है। जब से तेयोंग ने उसके साथ उठना बैठना शुरू किया है, वो तब से पूरी तरह बदल गया है। उसने एक अपार्टमेंट खरीदा? मुझे तो लगता है अपार्टमेंट उस लड़के के लिए खरीदा है। पुलिस अब भी खबरी के बर्नर फोन का पता लगा रही है, लेकिन उनका कहना है कि उसको पकड़ना मुश्किल होगा। अब जो है सो है, तुम स्कूल में बच्चों पर कड़ी नजर रखना, मत भूलना। ठीक है सर। बात तेयोंग की है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो ली सुनचैन के बारे में क्या सोचता है। वो उस पर तरस खाता है सर। तरस? क्या तेयोंग ने कुछ ऐसा किया है जो मुझे ना पता हो? नहीं सर। तुम जा सकते हो। जी मिस्टर वांग। वो मुझसे झूठ तो नहीं कह रहा? मैंने तुम्हारी हर बात मान ली, लेकिन अब देखो उसका क्या नतीजा निकला। तुम्हारी वजह से मैं ना समझ लगने लगा। सबको लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ। तुम कह रही थी ना कि हुआंग तेयोंग का जीना हराम कर दोगी? मैंने बिल्कुल कहा था। वही तो, जब कहा था तो फिर ये सब मुझे क्यों सहना पड़ रहा है? जंगुन, तुम वाकई बड़े बेसब्र इंसान हो। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। शुरुआत है तो अब आगे क्या? सुनो, उसने मेरे साथ जो किया है वो मैं कभी नहीं भूलने वाला। मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। अब शांत हो जाओ, आगे ये करना है, सही वक्त आने पर बता दूंगी।
ए योजन, बस यही कहना था, यही सुनने के लिए मैं इतना दूर आया। चंगुन, आज बस तुमसे मिलने का मन कर रहा था। वो सच में मुझसे मिलना चाहती थी, मुझसे? ओ योजन, मुझसे? जी पुलिस स्टेशन, मुझे एक कंप्लेन करनी है। आपको मेरे साथ ढंग से पेश आना चाहिए था। गुड बाय डैड, उम्मीद है दोबारा नहीं मिलेंगे। क्या तुम ये कहती फिरती हो कि तुम एक स्टाइलिस्ट हो? क्या कोई चाहते हैं कि तुम उनका हेयर स्टाइल करो? यकीन नहीं होता कि तुम वाकई आ गए, बड़े ही ढीठ हो तुम। मैं चाहता हूँ तुम सिंचान की बहन को मना लो। वो एम्बिशियस है, भोली है, और सबसे बड़ी बात उसे अमीर बनना है। उसे अगर कुछ चाहिए तो वो है एक आलीशान अपार्टमेंट। सुनो, तुम किसी को जानती हो जिसे रहने के लिए नई जगह चाहिए? हाँ, नदी के पास एक नया अपार्टमेंट है। एक नया अपार्टमेंट? हाँ, उसमें 3 बेडरूम्स हैं और 2 बाथरूम्स हैं। डिपॉजिट 4 करोड़ है और रेंट 3 लाख वॉन है। क्या सच में? हाँ? इतनी सस्ती डील कैसे? हाँ, जो ये मकान बेच रहे हैं उन्हें अर्जेंटली अमेरिका जाना है। क्या तुम किसी को जानती हो जो वहाँ पर रहना चाहेगा? तुम खुद क्यों नहीं लेती, कहो तो बात करूँ। मेरे लिए? मैं चाहती तो हूँ, पर एक मिनट, ये सब मुझे क्यों बता रहे हो तुम? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सच बताओ, कोई चालबाजी तो नहीं कर रहे ना तुम? मैं ऐसा क्यों करूँगा, मुझे उससे क्या फायदा? तुम चाहो तो पास वाली रियल एस्टेट एजेंसी से पूछ लो। इतने सस्ते में घर मिल रहा है? हाँ। ठीक है, अच्छा ऑफर है, थैंक यू। उम्मीद है इस बार तो शिफ्ट कर ही लेंगे वो लोग। तेयोंग, क्या बात है, जानता हूँ बहुत अरसे बाद मिले हैं। मेरे साथ ऐसा करोगे? हाय हेलो भी नहीं। लंबे अरसे बाद? क्या ये तेयोंग का कोई कजिन है? मिलकर अच्छा लगा यार। क्या यार?
लगता है तुम बहुत ज्यादा ही बड़े हो गए हो। अपने मामा से इस तरह बात नहीं करते? मामा? कोई बात नहीं सर, मतलब ये सुनकर मुझे लगा कि मैं इसके दिल के करीब। दियोंग का मामा है। जनता है, इन्हें सर बुलाने की कोई जरूरत नहीं, घर पे इन्हें उनके नाम से बुला सकते हो। हनी ठीक है ना? जो तुम्हें सही लगे। वैसे तुम अमेरिका कब लौट रहे हो? हनी योंदो, हाँ जी तो आया हूँ, और आप मुझे अभी से वापस भेजने की सोचने लगे? मैं आपका साला हूँ, थोड़ा प्यार से पेश आइए। ठीक है, चलो खाना खाते हैं, वक्त हो चुका है। जुनता है, देख रहे हो ना मैं कैसे इंसान के साथ रह रही हूँ। मुझे पता था ये तुम पर खूब जचेगा। क्या तुम्हें पसंद आया? मैंने सुना अपने बर्थडे पर तुमने फादर को सरप्राइज दिया। फादर ने आपको बताया क्या? नहीं, किसी और से सुना। वैसे अमेरिका में भी तुम्हारे ही चर्चे होते रहते हैं, मुझे तुम पर नाज है। नाज वाली क्या बात है, वो तो मामूली सी बात थी। तुम्हारा दिमाग सातवें आसमान पर आ गया है ना, लगता है तुम्हारे पंख निकल आए। हाँ, क्या कहा था तुमने मुझे यार? मुझसे आंख मिलाने की हिम्मत कैसे की? 5 साल पहले तो तुम्हारा मुंह नहीं खुलता था। जब तक मैं यहां हूं मिलजुल कर रहते हैं। हम एक फैमिली है। हर एक के लिए एक बॉक्स। मुझे हमेशा से ही ऐसा करना था, हर एक के लिए अलग बॉक्स। पूरा का पूरा खा लो। किसी नए रेस्टोरेंट में ज्वाइन हुए क्या? ये असली फ्राइड चिकन है। क्या हो रहा है? आपको अब जाकर इस बात का एहसास हुआ है? पता नहीं वो ऐसा क्यों कह रहा था, बेचारा रो रहा था। हनी, क्या आपके कंधों में बहुत दर्द है? ये तो ऑफिस में सबसे ज्यादा काम मैं ही करता हूँ ना, मेरे कार्टून इतने अच्छे होते हैं, दूसरे मेरी बराबरी कर ही नहीं सकते। नींद में आप दर्द के मारे कराह रहे थे, जरा देखो। अरे तो कुछ नहीं है। अरे सियोन हाई, तुम्हें बहुत तकलीफ होती होगी ना, आई एम सॉरी। आपको क्या हो गया है? बस आज कुछ ज्यादा ही खुश हूं, मेरी कमाई से खाना लाया हूं, अगली बार तुम्हारे लिए मेकअप किट लाऊंगा। थैंक यू हनी, पर मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ बुक्स के लिए ड्रॉ ना करो, बल्कि लोगों को अपना आर्ट वर्क भी दिखाओ। अरे अब बाहर भी आओ आप लोग। चलो वो चिकन खत्म करते हैं।
चलो, चलो, ये क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हाँ, चलो ठीक है। हाँ। चलो अब। अरे ये अभी तक खत्म नहीं किया, आ जाओ। क्या बात है, कमाल है। अच्छा है ना? ओ, ये तो बिल्कुल फोटो की तरह लग रहा है ना। सिंगचौन, क्या अच्छा नहीं लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत अच्छा करते हो। हमारा बेटा आपसे भी बेहतर आर्टिस्ट है। ऐसा भी नहीं है। क्या हम एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाए? एक नया अपार्टमेंट है, 3 बेडरूम वाला, हान नदी के पास। उसका डिपॉजिट कम है और रेंट भी 300,000 won है। सस्ता है ना? ऐसा नहीं हो सकता, अपार्टमेंट्स इतने सस्ते में नहीं मिलते। अरे कह रही हूँ ना मैं, वो आदमी था ना, याद है, जिसने मकान मालिक से झगड़े के वक्त मेरी मदद की थी। अरे उसका नाम क्या था? हाँ, जांग मुनकी। वो लंबा सा मोटी आइब्रोस वाला आदमी जो व्हाइट कार चलाता है। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? वो तो त्योंग का ड्राइवर है। मुझे लगता है ये त्योंग की हरकत है, वो हरदम हमारी मदद क्यों करना चाहता है? मुझे नहीं पता, मेरी वजह से, यकीन मानो मेरी वजह से। उसे जरूर मुझसे प्यार हो गया है, तब तो ऊपर वाला ही उसे बचा सकता है। वैसे उसकी चॉइस बहुत अच्छी है। मुझे वो पसंद नहीं, लेकिन वो हाई स्टैंडर्ड वाला है। तुम उसके टाइप की नहीं हो, ये बात दिमाग में डाल लो। तुम्हें अरे फिर से शुरू हो गए, नहीं दूंगी। अरे अब तुम अच्छी नहीं दिखती तो मैं क्या करूं? मॉम आप बताओ। मॉम मैं प्रिटी हूँ ना, आप बोलिए ना इसे, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। लड़के मुझ पर मरते हैं समझे? सालों में भी सब मुझ पे मरते हैं। अच्छा? तुम्हें पता है वो लोग क्या कहते हैं? कि मेरे जितने खूबसूरत कोई नहीं है। अब सच में ये सब मेरे बिना कितने खुश है। गरीबों को लूटना बंद करो, जिसका फायदा यूनियन कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिलेगा वो रीडेवलपमेंट रोक दो। जबरदस्ती आप लोग हमें यहाँ से हटा नहीं सकते, हम लड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, उन्हें हटाना ही होगा। चलो चलो चलो, उन्हें रोको। चलो चलो जल्दी जल्दी आओ। अरे सर,
रुकिए, आप ठीक है? हाँ, मैं ठीक। अरे रुकिए रुकिए, मैं क्या कह रहा था, पहले मैं जाता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आइए। बिल्कुल नहीं, तुम्हारा तो एक हंसता खेलता परिवार है, मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं जाऊँगा, अपना ख्याल रखना। चलो त्यांग बनकर ही जिंदगी जीना चाहता हूं। तुम चाहते हो कि हम नदी के पास अपार्टमेंट में रहे? आखिर तुम्हारा प्लान क्या है ये बताओ। प्लान? मेरा कोई प्लान नहीं है। तुम मजाक अच्छा करते हो, मुझे पता है तुम ये क्यों कर रहे हो। इसकी वजह जूही है ना? क्या? छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। तुम चाहते हो मैं उसके बदले जूही को छोड़ दूं, क्यों? यही तुम्हारा प्लान है ना? तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन उस अपार्टमेंट में रहने जरूर चले जाना, कुछ नहीं तो अपने माँ बाप और बहन के बारे में सोचो। तुम बहुत ही बचकाने हो। ठीक है, मान लेते हैं कि मैं जूही को छोड़ दूंगा, तो क्या इससे वो तुम्हें पसंद करेगी? माफ करना, लेकिन वो मुझे पसंद करती है और मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, चलो मान लिया कि फिलहाल वो तुम्हें पसंद करती है, लेकिन ये रिश्ता कितने दिन टिक पाएगा? आखिर तुम्हारे माँ बाप गरीब हैं और तुम भी गरीब ही रहोगे। होंग त्यांग, तुम्हारी लाइफ में पैसा ही सब कुछ है, पर मैं वैसा नहीं हूं। पैसा हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा क्यों? क्योंकि मैं ली सॉन्ग जॉन हूं, तो दौलत का घमंड मुझे मत दिखाओ। दौलत का घमंड? कितने भोले हो यार तुम। हाँ, आज के जमाने में लोग पैसे के लिए अपने माँ बाप को बेच देते हैं। पैसों के लिए माँ बाप को बेचना? फालतू बात मत करो, समझे? कोई घटिया इंसान ही ऐसा करेगा? तुम्हारा क्या, खुद को सबसे अलग समझते हो तुम? हाँ, तुम कहते हो कि पैसे ना होने से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सिर्फ एक झूठ है। अगर अमीर बनने के लिए तुम्हें अपने माँ बाप को बेचने का कोई मौका मिला, तो देखना तुम भी अपने अपने माँ बाप को बेचने में वक्त नहीं लगाओगे। क्या इस बात से इनकार कर सकते हो? मैं कभी सौदा नहीं करता, बदले में चाहे मुझे कितनी भी दौलत मिलती, मैं उनका साथ नहीं छोड़ता। अपने मॉम डैड से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं उनका सौदा कभी नहीं करता। खुद से झूठ मत बोलो, अपने माँ बाप को चाहने की बात कहकर तुमने ये साबित कर दिया कि तुम झूठे हो। सोचो अगर तुम मेरी जगह ले सकते तो, तुमने मेरा घर देखा है ना, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा सब कुछ अगर तुम्हारा हो जाता तब भी तुम उनका सौदा नहीं करते? तुम्हें जो कहना है कह लो, पर मैं अपने माँ बाप का सौदा नहीं करता। त्यांग, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मुझे तुम्हारे डैड से नफरत है, उनके जैसे पेरेंट्स से दम घुटता है। वैसी जिंदगी से ज्यादा गरीबी अच्छी, ये है मेरा जवाब। सिंचन, सिंचन, एक बुरी खबर है, तुम्हारे डैड। हेलो सुंगा, डैड इमरजेंसी रूम में?
हाँ ठीक है, मैं वहां पहुंचता हूँ। क्या क्या बात हुई, क्या कह रही थी वो? क्या सिंचन की डैड बुरी तरह घायल है। सिंचन मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। डैड नहीं, मुझे ऐसा पिता नहीं बनना जिस पर मेरा बेटा नाज ना कर सके। प्लीज मेरे बेटे को मत बताना कि मैं यहाँ काम करता हूँ। तुम्हारे डैड के कॉमिक्स पब्लिश हुए हैं, तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। ये देखो। वाओ, मेरे पापा बेस्ट है। बेस्ट है। आप बेस्ट हो डैड। बेस्ट हो। Happy birthday to me. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. डैड नहीं, डैड, डैड। हे, हे, डैड, 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 पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। उम्मीद है ये चिट्ठी भेजने में देर नहीं हुई। तुम्हारे साथ सब अच्छा ही हो। वो अजीब सी बूढ़ी औरत। जा मेरे लिए एक और ड्रिंक ले आ, मैं और पीना चाहता हूँ। क्या प्लीज बस कीजिए ना। जा, अब तू मुझे सिखाएगी मुझे क्या क्या करना चाहिए। इधर आ, निकल यहाँ से, चली जाए यहाँ से। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुझे। आज आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जा। जब तुम घर आओगे तब जान से मार दूंगा, सुना तूने? ये देखो, ये एक गोल्डन स्पून है जो तुम्हें अमीर बना सकता है। ये एक गोल्डन स्पून है जो तुम्हें अमीर बना सकता है।
जिसको जिसको अमीर बनना है वो ये गोल्डन स्पून खरीदो, आओ गोल्डन स्पून खरीदो। क्या हुआ, क्या तुम्हें अपने माँ बाप का सौदा करके अमीर बनना है? अपना घर छोड़कर यहाँ पर क्यों खाना खाती हो बोलो? मेरे मालिक को ये पसंद नहीं। बस कीजिए नारा, जब तुम्हारा मन करे यहाँ खाने चली आना। कैसे खा रही हो तुम नारा? ये योंजिन देखिए, चावल ठीक से पके नहीं, फिर से लाओ। नारा, डिनर यहीं पर कर लो, शायद घर पर खाना बना नहीं होगा। मुझे अमीर नहीं बनना, प्लीज उनकी जान बचा लीजिए। क्या तुम्हें वाकई कोई पछतावा नहीं होगा? तो मुझे पसंद हो सिंचन, मेरे पास भी ऐसा ही एक है, क्या ये वाकई तुम्हारा है? मेरी जिंदगी को आप अपने पास गिरवी रख सकते हैं। मैं खुद अपनी जान ले लूंगा। अब मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। सचमुच तुम हो? तुम ऐसा कैसे? मेरा इंतजार करो, मैं 100 बिलियन वॉन कमाकर लौट आऊंगा। फोन करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है।